आज इस वीडियो में मैं रॉक्सी चीनी कोको और अपने स्पेशली बारे में बात करने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। चलो ओबे तो इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा है यार? मोटी आंटी पापा की तबीयत खराब है, आपको नहीं बताया क्या? ओ यार, ये वहाँ पे सिर्फ दवाइयाँ खाते हैं। हाँ, सिर्फ दवाई खाओ वहाँ पे। कुकु मोटी आंटी पापा घर पे आए हैं, उनके साथ मैं खेलूंगा। हॉस्पिटल से घर पे हट जाओ, मैं खेलूंगी, मारूंगी मैंने आपको बहुत ज्यादा। ओ आगे पापा पापा मेरे साथ खेलो प्लीज। जाओ यार, मैं भी खेलूंगी। और तुमने मेरे को बांध दिया आज। ओवे बोलो तारा बदतमीज। ओवे यार, खरगोश और इसके बीच में फंस गई हूँ मैं। ओवे देखो, ऐसे गोल गोल फूफू मार के मारूंगी ना, जैसे तेरी पूछ घूम रही है गोल। ये देखो बदतमीज। ओवे कोई उठाएगा ही नहीं यहाँ से, मैं यहाँ कब तक खड़ी रहूंगी? ओवे उठा दो। ओवे हाँ, बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा बदतमीज। मोटी आंटी पापा का ऑपरेशन होने वाला है, सोने दो। ओवे यार, क्या खा रहा है? ओ वो भी तो बहुत अच्छा होता है, मेरे को एक मिलेगा क्या? ओवे दादा दे 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 दे। ओवे ओ ओ ओवे 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 अबा क्या कर रहा है? ओवे तू मत खा, तेरी जो तबियत खराब है ना, तू हॉस्पिटल एडमिट होगा फिर से, तेरा ऑपरेशन होना है, भूल गया क्या? मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल पे बताया था, न्यूज बॉय ने भी ये चीज कवर करी थी, साइड में आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये, और काफी लोगों को पता भी है। चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया जहाँ पे वो बताया कि उनका किडनी में एक डिजीज है, उनका उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यस, किडनी ट्रांसप्लांट एक काफी क्रिटिकल सर्जरी होता है। सो गाइस, जिस चीज के बारे में आपसे बात करना चाहता था वो ये है कि मेरा होने वाला है किडनी ट्रांसप्लांट। आई नो काफी लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि अब क्यों, कब हुआ, कैसे हुआ, तो उसके लिए मैं आपसे बस इतना कहूंगा, मैंने ब्लॉगिंग चैनल पे लेटेस्ट 3 ब्लॉग जो बनाए, 3-4 ब्लॉग, वो जाके देख लो, सब कुछ बताया हुआ है, सब क्लियर हो जाएगा। बट आज के टाइम में मैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ। पिछले 4 दिन से मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और अभी अभी मैं हॉस्पिटल से ही आया हूँ और जस्ट मैं रॉक्सीचीनी से मिला हूँ 4 से 5 दिन बाद। पिछले 3 दिन से मैं सोया तक नहीं हूँ, डिप्रेशन में हूँ और काफी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में मेरे साथ चल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने चैनल बहुत मुश्किल से खड़ा करा था, मैं इस पे एक्टिव भी नहीं हो पा रहा हूँ बिकॉज मुझे रोज हॉस्पिटल जाना होता है, एडमिट होना होता है, टेस्ट कराने होते हैं, मुझे ऑक्सीजन की बहुत टेंशन है, मैं उनकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ। आने वाले टाइम में मेरा एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है ट्रांसप्लांट का, जब मुझे वो ऑपरेशन होगा तो मुझे डॉग से रॉक्सीचीनी से दूर रहना होगा 4-5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, मुझे नहीं पता कब तक। हो सकता है मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, हो सकता है यूट्यूब से बहुत बड़ा ब्रेक लूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आई नो बहुत से क्वेश्चन होंगे तो मैं आपसे फिर कहूँगा, सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना, आपके लिए वही मतलब आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब सारे मिल जाएंगे। बाकी रही बात रॉक्सी और चीनी की, उनकी केयर के लिए अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, उनको कहीं पे छोड़ना पड़ेगा, कहीं रिलेटिव के यहाँ या कहीं डॉग हॉस्टल या फिर कहीं पर भी, मुझे नहीं पता है अभी क्या चीज़ें होने वाली हैं। और कोशिश तो यही है वो घर पे रहें। प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करते रहो, चैनल पे एक्टिव रहो और ओल्ड जो वीडियो है रॉक्सीचीनी की वो देखते रहो, दिन में एक बार आके देख लो, जिससे चैनल एक्टिव है, जब मैं रिटर्न आऊँ कुछ ठीक रहे, चैनल खराब ना हो। मैं बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा, सो प्लीज सपोर्ट मी, बाकी वो वीडियोस देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा कब कहाँ कैसे क्यों कब कैसे हुआ।